स्टार प्लस के सुपरहिट सीरियल अनुपमा में डिम्पी के साथ रेप होने के बाद जहां उसका पति उसे छोड़कर भाग गया, वहीं अनुपमा ने उसे अपने घर में जगा दी है। यहां तक कि अब अनु ये भी फैसला कर चुकी है कि वो अपने छोटे बेटे समर से डिम्पी की शादी करवाएगी, लेकिन पूरा शाह परिवार इस फैसले के खिलाफ है। और वनराज तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि जिस लड़की की इज्जत लुट चुकी है और समाज में उसका इतना तमाशा बना है, वो इनके छोटे बेटे की पत्नी और शाह परिवार की बहू बने। पर वहीं दूसरी तरफ अनुपमा ने सच्चाई का साथ देते हुए डिम्पी को इंसाफ दिला दिया है और उसके गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई है। खैर, डिम्पी की यह लड़ाई तो खत्म हो चुकी है, लेकिन अब अनुपमा उसे किसी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती है, इसलिए वो जल्द से जल्द अपने बेटे की शादी डिम्पी से करवाएगी। और अब तो समर भी डिम्पी को मन ही मन चाहने लगा है, लेकिन पिता वनराज ऐसा नहीं होने देंगे, इसलिए अब शो में आने वाले अपकमिंग ट्विस्ट में समर मंदिर में डिम्पी की मांग भरेगा। जी हाँ दोस्तों, मंदिर में समर और डिम्पी की गुपचुप शादी होगी, जिसे देखकर वनराज हैरान रह जाएगा और वो गुस्से में भी लाल पीला होता हुआ नजर आएगा। पर क्या पिता के डर से समर डिम्पी का साथ छोड़ देगा या अपने प्यार के लिए सबसे लड़ेगा, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। वेल दोस्तों, क्या समर को इतनी जल्दबाजी में डिम्पी से शादी करने का फैसला लेना चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।